Rahim, Alaikum dear students of class eight and 9. I welcome you in my lecture number eighteen. As you know, this is unit number two, and the page which I am going to teach now that is page number fourteen, paragraph number one, but line number four. In my previous lesson, I taught you till line number three. In these three lines, Allama Iqbal is defining the qualities of a young man, defining qualities of youth he thinks that his man should be a perfect moment he should be a mujahid he should be the man of struggle he should be like an eagle mm. explorer adventurer and seer further he gives us the idea of ishq that a youth of iqbal must believe in ishq then he gives us the concept of man of hudi now let's go towards line number four, paragraph number one, page number 14. put your finger there, students. the youth of iqbal is a strong believer in ishq, a creative and dynamic energy that helps the youth to discover and subdue new stars of originality and individuality. moreover, iqbal's nojawan is a man of hudi. the absolute hudi is infinitely creative. Know thyself and success shall be thine. Iqbal expresses if a man becomes emperor of himself, then he can lead the world in his own direction. And such a person can find out with his sagacity the pearl of future for the coming generation. Now, see the words believer, dynamic, discover, subdue, originality, individuality, absolute.

Individuality means infiratiyat. Absolute, this is used for khudi. So absolute, bulant paya. Infinitely, la mehdud. Emperor, hakim, musakhar, karne Sagacity Segregity, fahmo, firasat. Now see the translation. The youth of Iqbal is a strong believer in ishq. Iqbal ka nujewaan. इश्क पर मुकम्मल यकीन रखने वाला है द यूथ ऑफ इकबाल इज़ अस्ट्रॉग बिलीवर इन इश्क इकबाल का नौजवान इश्क पर मुकम्मल यक़ीन रखने वाला है अ क्रिएटिव एंड डायनामिक एनर्जी दैट हेल्प्स द यूथ टू डिस्कवर एंड सब द न्यू स्टार्स ऑफ औरल्टी एंड इंडिजुअलिटी जो कि एक तख्लीकी और मतहरक तो का नाम है जो नौजवान को तख्लीकीवत और इनफ़रादियत के नए जहाँ दरियाफ्त करने और उन्हें मशक्र करने में मदद देता है अ करिएटिव तखलीकी डायनेमिक मुतहर एनर्जी तो दैट हेल्प्स जो मदद करता है यूथ नौजवान की तो डिस्कवर दरियात करने सब ड्यूथ तस्खीर करने न्यू स्टार्स ऑफ स्टारिजनालिटी एंड इंडिविजुअलिटी तखलीकी क़वत और इनफरादियत के नए चहान सो सी द ट्रांसलेशन अगेन द यूथ ऑफ इकबाल इज़ अ स्ट्रॉग बिलीवर इन इश्क

जो नौजवान को तख्लीकीवत और इनफरादियत के नए जहान दरियात करने और उन्हें मसखर करने में मदद देता है मोर ओवर इकबाल नौजवान इज़ ए मैन ऑफ खुदी इसके अलावा इकबाल का जो नौजवान है वो मैन ऑफ खुदी यानी खुदी का हामिल शख्स होता है इकबाल का नौजवान खुदी का हामिल शख्स होता है नो वट इज़ खुदी खुदी मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ इन एन इंडिविजुल लाइक वैन अ परसन थिंग एंड गिवस इम्पोर्टेंस टू हिम सेल्फ ओके मोरवर इकबाल नौजवान इज ए मैन ऑफ खुदी मोरवर मजीद ये किकबाल का नौजवान खुदी का हामिल शख्स होता है द एब्सोलूट खुदी इज इंफीटली क्रिएटिव खुदी जब बुलंदी पर होती है तो वो उस वक्त तखलीकीी सलाहियत लामहदूद होती है खुद ही जब बुलंदी पर होती है द दबस्यूट खुदी इज़ इन्फीनटली क्रिएटिव खुद ही जब बुलंदी पर होती है तो उसकी तखलीकी सलाहियत लामहदूद होती है नो दाए सेल्फ एंड सक्सेस शेल बी दाइन दाए सेल्फ एंड दाइन दीज आर द वर्ड्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश दाए सेल्फ मीन योर सेल्फ एंड दाइन मीन्स योर्स नो दाए सेल्फ एंड सक्सेस शेल बी दाइन अपने आप को पहचानो और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी इकबाल एक्सप्रेसिस इफ मैन बिकम्स एम्पर ऑफ हिमसेल्फ इकबाल एक्सप्रेस इक बात का इजहार करते हैं इफ मैन बिकम्स एम्पर ऑफ हिमसेल्फ अगर इंसान अपनी जात को मुसखर कर ले यानी अपना हाकिम खुद बन जाए देन ही कैन लीड द वर्ल्ड इन हिज ओन डायरेक्शन तो फिर वो उस सिमत में दुनिया की रहनुमाई कर सकता है जहाँ वो चाहता है एंड सच ए पर्सन कैन फाइंड आउट sagacity, the pearl ऑफ विद his sagacity, द पर्ल ऑफ फ्यूचर फॉर द कमिंग जनरेशन और ऐसा इंसान अपनी फ़हम व फ़रासत sagacity मीन्स अक्ल फहम व फरासत तो ऐसा इंसान अपनी फहम व फरासत से आने वाली नस्लों के लिए गहर नायाब तलाश कर सकता है पर्ल ऑफ गोहर, नायाब नायाब गोहर तलाश कर सकता है और फ्यूचर मुस्तबिल के फॉर द कमिंग जनरेशन आने आने वाली नस्लों के लिए सी दिस लाइन अगेन नो दाइ सेल्फ एंड सक्सेस शेल बी दाइन अपने आप को पहचानो और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी इकबाल अ मैन बिकम्स एम्पर ऑफ हिम सेल्फ दैन ही कैन लीड द वर्ल्ड इन हिज ओन डायरेक्शन इकबाल इस बात का इजहार करते हैं कि अगर इंसान अपनी ज़ात को मसर कर ले तो फिर वो उस सिमत में दुनिया की रहनुमाई कर सकता है जहाँ वो चाहता है एंड सच ए पर्सन कैन फाइंड विद हिस सगैसिटी द पर्ल ऑफ फ्यूचर फॉर द कमिंग जनरेशन और ऐसा इंसान अपनी फहम और फ़रासत से आने वाली नस्लों के लिए गोहरे नायाब तलाश कर सकता है ओके डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट गो थ्रू दिस पैराग्राफ and do practice of translation and learn the meaning in urdu of difficult, to, difficult words this paragraph is quite difficult like previous two paragraphs so i want you must go uh, through, the, through the practice of translation so uh, that should be that can be uh, easy for you when it comes in the test or papers for translation thank you very much inshallah uh, i'll teach you further paragraphs in my next lesson stay blessed